अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरे मज़े मज़े के व्लॉग आपको मिलते रहें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें जी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू की टिक्कियाँ, जो बड़े मज़े के होती हैं और बहुत टेस्टी होती हैं। तो जी यहाँ पे मैंने लिए हैं 5 मीडियम साइज़ के आलू। मैंने उसको बॉईल किया है और इसको अच्छी तरह मैश करके अब मैं इसमें ना स्पाइसेस डालूँगी। तो जी यहाँ पे मैं अब डालूँगी इसमें वो चावल का आटा। यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून मैंने चावल का आटा ऐड किया है। चावल के आटे से ना जो आलू की टिक्कियाँ हैं वो क्रिस्पी क्रिस्पी बनते हैं और बहुत मज़े के होते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने लिए कुटी हुई हरी मिर्चें तकरीबन 1 टेबल स्पून, वो ऐड किया है। और अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने डाले हैं जी धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, और यहाँ पे मैंने डाला है जी नमक 1 टेबल स्पून, और यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने डाली है ज़ीरा पाउडर, वो ऐड किया है। और यहाँ पे मैंने हल्दी भी ऐड की तकरीबन 1/2 टीस्पून, और यहाँ पे मैंने कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड किया तकरीबन 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड किया है। और अब मैं इसको मिक्स करूँगी आटे को अच्छी तरह वॉश करके। अब यहाँ पे मैंने डाला है चाट मसाला। चाट मसाले से ना ये बहुत मज़े के बनता है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला है चाट मसाला। अब मैं 1 मुट्ठी भर के मैंने धनिया लिए है और थोड़ा सा मैंने पुदीना भी ऐड किया है। वो हाथों की मदद से मैं सारे पुदीने को तोड़ दूँगी। और यहाँ पे मैंने ऐड किया है धनिया और पुदीना, इसको अच्छी तरह तोड़ के अब मैं हाथों को वॉश करके इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। तो जी 2-3 हफ्ते से ना मेरा कोई वीडियो कोई व्लॉग नहीं आया, और मेरा व्लॉग क्यों नहीं आया मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। वो ना मेरा बेटा ना अचानक बीमार हो गया था, स्कूल से आके कह रहा था मामा मुझे बुखार है, और फिर उसके सर में दर्द भी होने लगा, फिर उसको ना वॉमिटिंग भी शुरू स्टार्ट हो गई थी। तो हम उसे हॉस्पिटल ले गए थे और फिर उधर हमने उसको उसके डॉक्टर ने ना इसको इंजेक्शन लगाए और ड्रिप वगैरह लगाए, लेकिन फिर भी इसकी जो वॉमिटिंग है वो रुके नहीं। तो इसलिए डॉक्टर ने उसे एडमिट करवाया और 10-12 दिन हम ना हॉस्पिटल में रहे। इसलिए ना मेरा व्लॉग ना वीडियो कुछ भी नहीं आया। तो आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो घर आ चुका है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है। तो थोड़ी सी वीकनेस तो बहुत है लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब बेहतर है। आप मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह उसको सेहत तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला सब के बच्चों को लंबी ज़िंदगी और सेहत अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो जी यहाँ पे मैंने जो आलू की जो मिक्सर थी वो मैंने इसकी टिक्कियाँ बनाई हैं। इसकी टिक्कियाँ को इस तरह हम टिक्कियाँ बनाएँगे, एक एक करके हम टिक्कियाँ बनाएँगे। ये बड़े मज़े के बनते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। इस तरह सारे एक एक टिक्कियाँ बना के फिर हम इसको फ्राई करेंगे, छोटे छोटे टिक्कियाँ बनाएंगे, ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे। इस तरह हाथों की मदद से प्रेस करके हम टिक्कियाँ बना लेंगे। ये देखिए इतने मज़े के और प्यारे गोल गोल से टिक्कियाँ बनाएं। हम सारे टिक्कियाँ बना के आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखिए सारे टिक्कियाँ हमने बना लिए हैं, अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो मैंने एक फ्राई पैन लिया है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये मैंने पैन में ना ऑयल लिया है, अब हम इसमें फ्राई करेंगे। हम इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे, हम इसको ना शेलो फ्राई करेंगे। अब इस तरह हम सारे जो आलू की टिक्की है वो हम इस पैन में फ्राई करेंगे, 1 by 1 हम डाल देंगे। तो जी मेरा व्लॉग बहुत लेट हो गया है,
तो अब इंशाल्लाह मैं अपनी रूटीन पे आ चुकी हूँ, तो मैं अब आपके साथ अपने मज़े मज़े के व्लॉग शेयर करूँगी। और आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मज़े मज़े के ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो जी, यहाँ पे मैंने सारे जो टिक्के वो मैंने पैन में रख दिए हैं। अब 2-3 मिनट के लिए हम इसको एक साइड पे ना फ्राई करेंगे, और इसको इसका दूसरा जो साइड हम चेंज अभी जल्दी नहीं करेंगे, ताकि हमारे जो टिक्के वो टूटे नहीं। तो इस तरह हमारे सारे जो टिक्के वो हमने इसका साइड चेंज किया है। कितना प्यारा कलर आया है, ये देखिए सारे जो टिक्के वो फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखिए सारे फ्राई हो रहे हैं। अब मैं इसको एक डिश में ना डाल दूँगी। ये देखिए सारे फ्राई हो गए, कितने मज़े के, इतना अच्छा कलर आया है। अब मैं आपके साथ एक प्लेटर शेयर करूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने दो टिक्कियाँ ली हैं। वैसे हस्बैंड को बहुत भूख लगी थी, तो मैंने कहा चलो मैं आपको वो टिक्कियों का एक प्लेट बना के दे दूंगी, आप वो खा लें, तब तक मैं फिर डिनर तैयार करूंगी। तो यहाँ पे मैंने दो टिक्कियाँ ली हैं। अब इसके ऊपर मैंने बंद गोभी डाला है, और इसके ऊपर अब मैंने लच्छे में प्याज काटे हुए हैं, उसको अच्छी तरह नमक के पानी से धोया है। अब मैंने प्याज ऐड किया है। ये बड़े मज़े के और टेस्टी बनते हैं, हस्बैंड ने कहा कि बहुत तारीफ़ की, कह रहे बहुत मज़े का। अब मैं इसके ऊपर ना वो हरे धनिया पुदीने का चटनी ऐड करूँगी। ये बहुत मज़े का बनता है, बहुत ही। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इसके ऊपर मैंने चाट मसाला ऐड किया है, तकरीबन 1 टीस्पून या इससे भी कम थोड़ा सा। तो अब इसके ऊपर ना मैं पापड़ी डालूँगी। मेरे पास ना समोसा पट्टी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं इससे ना इसको फ्राई करके मैं इसकी पापड़ी बना लेती हूँ चाट से, चाट के लिए। तो मैंने इसमें अच्छी तरह उसको अच्छी खूब तरह से मैंने पापड़ी डाली है। अब इसके ऊपर मैं दोबारा से हरे पुदीने धनिया का वो जो चटनी बनाई थी वो डाल दूँगी, और इसका एक प्लेट तैयार करूँगी। ये देखिए अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया भी ऐड करूँगी। ये देखिए ये एक बाइट आप लोगों के लिए, बहुत ही मज़े का और बहुत ही यमी बनाते। आप ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी को, और कमेंट करके लाजमी बता दीजिएगा जी। तो ये है डिनर का टाइम, और डिनर में मैं बना रही हूँ जी चिकन रोश। आज बच्चों ने फरमाइश की थी कि मामा चिकन रोश बनाएं, तो मैंने कहा चलो मैं आज बना लेती हूँ चिकन रोश। तो यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, वो ऐड करूँगी। सब नीचे में सबसे पहले मैं आलू डाल दूँगी कुकर में, फिर इसके ऊपर मैं चिकन रख दूँगी। 1 बाय 1 चिकन रख देंगे। वैसे तो ये ना जो दुम्बे की चक्की में बनाई जाती है, लेकिन मेरे पास अब दुम्बे की चक्की नहीं थी, इसलिए मैं घी घी का इस्तेमाल करूँगी। तो इस तरह मैं सारे चिकन को डाल के अच्छी तरह इसको कुकर में डाल के अप्लाई करके सारे एक साथ ही डाल दूँगी कुकर को। इस तरह इस साइड में एक दूसरे एक साथ ही फैला लूँगी। और अब इसके ऊपर मैं ना वो अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अब मैं इसको ना चिकन के ऊपर अप्लाई करूँगी, एक एक बोटी के ऊपर लगा दूँगी अच्छी तरह। ये देखिए मैंने जो अदरक लहसुन का पेस्ट था वो अब मैं इसमें अच्छी तरह बोटियों के ऊपर ना अप्लाई करूँगी। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। टमाटर जो है वो ऑप्शनल है, वो चिकन रोस्ट में अक्सर लोग नहीं डालते, लेकिन मुझे पसंद है इसलिए मैंने डाला है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, उसको दरमियान में कट किया और इसके ऊपर रख दिया छिलका, फिर बाद में उतारेंगे इसका। और 1 टेबल स्पून मैं अब इसमें विनेगर डालूँगी। तो मैंने इसमें सिरका ऐड किया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून वो ऐड किया है। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून मैंने भुना कुटा हुआ ज़ीरा। इसमें कोई भी स्पाइसेस नहीं डाले जाएंगे सिवाय नमक और उसके ज़ीरे के। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून मैंने वो नमक ऐड किया है। अब मैं इसमें घी ऐड करूंगी, तकरीबन आधा कप मैं घी ऐड करूंगी। तो इस तरह मैंने घी ऐड किया है सारे साइडों पर लगा के। तो मैंने ये घी ऐड किया है।
अब मैं इसमें तकरीबन 2 या 3 टेबलस्पून में पानी ऐड करूँगी। पानी मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि हमारे जो चिकन है वो नीचे लगे नहीं और जले भी नहीं, और बाकी टमाटर का भी पानी होगा। तो इस तरह मैंने पानी ऐड किया है। अब मैं इस पे ना ढक्कन लगा दूँगी और इसको प्रेशर दूँगी। तो इस तरह मैंने कुकर का वो लगाया है ढक्कन। अब मैंने वो जो शुरू स्टार्ट में ना हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे और जैसे ही सीटी बजे तो फिर हम फ्लेम को ना लो करेंगे। तो लो फ्लेम पे हम इसको 20 मिनट तक हम कुक करेंगे कुकर में। तो 20 मिनट के बाद देखें हमारा जो रोश है वो तैयार है, ये रेडी हो चुका है। इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी है तो इसको थोड़ा सा खुश्क करेंगे। तो इस तरह मैंने पानी खुश किया। अब हमारा चिकन रोश है वो रेडी है। मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। ये देखें एक बड़ा सा ट्रे लेके हम फिर इसमें सारा जो चिकन रोश है वो हम ऐड करेंगे। ये देखें ये चिकन अच्छी तरह गल चुका है, आलू भी गल चुके हैं। ये बहुत टेस्टी और बहुत यमी है, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया है। आप भी ज़रूर घर में ट्राई करें और मुझे कमेंट करके लाजमी बता दीजिएगा। तो देखिए ये हमारा चिकन रोश तैयार है जी। तो यहाँ पे मेरी बेटी का बर्थडे है, हम वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये अरीशा की बर्थडे थी, हम सिंपल तरीके से इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो जी कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जी यहाँ पे अरीशा की बर्थडे है और हम ना अब इसको सिंपल तरीके से इसको मनाते हैं। तो जी अब यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।